A very good morning, students. Welcome into your maths class. Students, today's topic is subtraction using backward counting. आज हम back counting से subtract करेंगे. Backward counting means counting back from the given number. Students, backward counting का means क्या होता है? Counting back from the given number. जैसे हमें कोई number given है, उससे हमें back count करना है. To subtract 4 from 6, count 4 numbers behind 6. Students, हमें 6 में से 4 subtract करना है, तो हम 6 के behind 4 numbers count करेंगे. अब देखिए example, यहाँ पर हमें 6 number दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है. अब हमें 6 में से 4 subtract करना है. तो देखिए students, हमने number write किए 6, 5, 4, 3, 2. अब हमें 4 इसमें से minus करना है. बैक काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4. देखिए हमने कितनी टाइम काउंट किया 1, 2, 3, 4. हमारा आंसर हम किससे आगे रुके 2 पर. सो 6 - 4 = 2. हम 6 में से 4 सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2. फर्स्ट इज 7 - 2. स्टूडेंट्स देखिए हम पहले यहाँ पर नंबर राइट कर लेते हैं. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब हमारा नंबर है 7 और हमें 7 में से 2 सबट्रैक्ट करना है. देखिए हम 7 से 2 बैक काउंट करेंगे 1 and 2. हमारा आंसर क्या जाएगा 5. सेकेंड है 6 - 3. अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर है हमारा नंबर 6. अब 6 से हम 3 बैक काउंट करेंगे 1, 2, 3. तो हम किस पे आते रुके 3 पर. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3. नेक्स्ट है 4 - 3. हमें 4 में से 3 बैक करके सबट्रैक्ट करना है. अब हम देखेंगे हमारा 4 नंबर कहां पर है. ये हमारा 4 नंबर है, इसमें से हम 3 बैक काउंट करेंगे 1, 2, 3. आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1. नेक्स्ट इज 5 and 2. 5 and 2. सो हम 5 से 2 स्टेप बैक काउंट करेंगे 1, 2. आंसर क्या आएगा हमारा 3. नेक्स्ट इज 6 - 2. नंबर 6 से हम 2 स्टेप्स काउंट करेंगे 1, 2. किस पर आके रुके हम 4 पर. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4. ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से आपको बैक काउंट कर